बच्चे मानते नहीं हैं, क्या करें, इसके बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति धन्य महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत माँ बाप की ये कंप्लेंट रहती है कि बच्चे मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, पढ़ाई करते नहीं हैं। पढ़ाई के लिए बहुत पीछे लगना पड़ता है, स्नान करने के लिए पीछे लगना पड़ता है, खाना खाओ करके पीछे लगना पड़ता है, स्कूल जाने के लिए पीछे लगना पड़ता है। सब पीछे लगने के सिवाय उनको कुछ समझता ही नहीं, उनको पीछे लगने के सिवाय काम ही नहीं करते। अब असली बात क्या है कि आपने ऐसी उनको आदत लगाई है, आदत से वो मजबूत हुए। बच्चों को ये हो गया कि पीछे जब लगते हैं कोई ना कोई, मदर लगते हैं, पिताजी लगते हैं, तो ही काम करना है, इनको काम करना नहीं है। आप बच्चों का शेड्यूल बनाओ, उनको बोलो देखो भाई आप पढ़ाई करना ही पड़ता है। पढ़ाई क्यों करना है, पहले वो उनके साथ में बातचीत करना जरूरी है कि पढ़ाई करना क्यों है, क्या करना है पढ़ाई करके। आपको बड़ा बनना है, चलो बड़ा मतलब क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, किसान बनना है, कभी करना क्या, मिलिट्री में जाना है, पुलिस ऑफिसर बनने का है, कलेक्टर बनने का है, करना क्या है। एक बार वो क्लियर हो गया उसको कि मुझे है ना ऐसा ऐसा करना है, पायलट बनने का, जो भी कुछ है, तो एक फोकस हो जाता है। और फिर आप उसको बोलते कि भाई तू ये जो अभी कर रहा है, टीवी देख रहा है, क्या टीवी देखना है तेरे को पायलट बनाएगा, तू भी खेल रहा है, क्या ये खेल तेरे को डॉक्टर बनाएगा, नहीं ना। अभी तू मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में दो दो घंटे तीन तीन घंटे तो बैठ रहा है, क्या ये मोबाइल में तीन तीन घंटे देना तेरे को डॉक्टर बनाएगा। तेरा जो उद्दिष्ट है, इंटेंशन है, क्या फुलफिल होगा तो भी ये काम करता है तो फिर वो बात उससे हो सकती है। रादर देन पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, स्कूल में जाने के लिए भी, स्कूल में जाना क्यों है, स्कूल में जाने से क्या फायदा होगा, स्कूल में जाने से पढ़े अच्छी होंगी, डिग्री अच्छी मिलेंगी, जो तेरे को बनना है पायलट बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो हासिल होगा, तो वो उसको आपको सिखाना पड़ेगा। जब आप उसको लेके बैठते हैं और एक प्लानिंग करते हैं डे का कि भाई इतने घंटे स्कूल है, इतने घंटे पढ़ाई है, इतने घंटे खेल है, इतने घंटे मोबाइल है, इतने घंटे टीवी है, ऐसा प्लानिंग आप करेंगे और उसको बोलेंगे कि भाई देखो आप अभी शब्द दो कि ये प्लानिंग से ही आप चलेंगे, इसके सिवा नहीं कुछ करेंगे, उससे जबान लेना है और उसको वो जो अपन ने प्लानिंग बनाया हुआ है वो प्लानिंग से उसको चलने लगाने का है, ताकि फिर वो इधर उधर भटकेगा नहीं, जो मन में आया वो करेगा नहीं। हर रोज रात को बच्चों को लेकर बैठना है और उनको डिसिप्लिन के बारे में बताना है। मुझे अभी भी याद है कि मैं बच्चा था, छोटा था, तब हमारे ग्रैंडफादर हमको लेकर बैठते थे और उस जमाने में बताते थे हाँ रास्ते के बाएं बाजू से चलना चाहिए, जब आप रास्ता क्रॉस करते हैं तो इधर देखो उधर देखो, कोई व्हीकल आ रहा है क्या वो देखो, और बाद में रास्ता क्रॉस करो, कोई गलत जगह पे आप मुझे नहीं दिखना चाहिए, ऐसा हम बोलते थे वो हमको कि भाई आप पान पट्टी पे हमको नहीं दिखना चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ये करेंगे तो हम स्कूल में से आपको निकाल देंगे, इस तरह का हमारे ऊपर संस्कार होते थे। झूठ नहीं बोलना चाहिए, और फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर उसके लिए माँ बाप ने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब जब आप बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं और उनको एक आदर्श अपना खुद का रखते हैं, तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा, और फिर आप जैसा करते हैं वैसा वो करेंगे। मगर आप ही बराबर ठीक नहीं कर रहे हैं तो फिर बच्चे कैसे करेंगे। मैं हरदम बोलता हूँ कि एक्शंस दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आप जो करते हैं वो ज़्यादा महत्व का है, उसकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचती है, रादर देन आप बोलते क्या हो। आप बोलते कि झूठ मत बोलो झूठ मत बोलो झूठ, हम खुद झूठ बोलते हो, फायदा क्या है। तो जो बोलना है वही करना है। मराठी में हम बोलते कि बोले तैसा चाले त्याची बंदा भी पावले, जो जैसा बोलता है वैसे ही करता है उसके पैर छूना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं मराठी में। तो वो जरूरी है, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाओ, बच्चों को शेड्यूलिंग करने सिखाओ, बच्चों को पढ़ाई का महत्व बताओ कि पढ़ाई क्यों, बच्चों को स्नान करने का महत्व बताओ, बच्चों को बैलेंस्ड खाना जो खाते हैं उसका महत्व बताओ। हर बात पे ये करो ये करो ये करो ये करो, इसके बदले ये क्यों करो ये क्यों करो ये क्यों करो वो बताने का है। और वो क्यों करो एक बार क्लियर हो गया तो कैसा करो, कब करो, कहाँ करो, सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळेकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।